हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12th के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 6 और अध्याय का नाम है वंशागति का आणविक आधार यानी मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फ्रेंड्स, मैं इस चैप्टर का 12 वीडियो पहले ही बना चुका हूँ और उस वीडियो में मैंने लगभग सभी टॉपिक कवर कर दिए हैं। यह आखिरी टॉपिक है डीएनए उंगली छापी यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आज हम लोग जानने वाले हैं, पूरा डिटेल में अच्छे से जानेंगे। मैं आपको इस एनसीईआरटी के बुक से इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें फिगर काफी अच्छा दिया है और आप फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपने इस चैप्टर के अन्य वीडियोज नहीं देखे हैं या फिर और सब जो मैंने वीडियोज बनाए हैं लेसन 1, 2, 3, 4, 5 का, उनमें से किसी का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको सभी का आई बटन पर लिंक मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लीजिएगा, वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी समझ और तैयारी दोनों बेहतर हो सके। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले खंड में बताया गया है कि मनुष्य में मिलने वाले क्षार अनुक्रम लगभग 99.9% समान होते हैं। ये वही बात हो रही है जब मैंने आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी मानव जीनोम परियोजना के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो मनुष्य में होते हैं वो 99.9% जो क्षारों के अनुक्रम होते हैं यानी एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, इनका इन जो चारों का अनुक्रम होता है वो दो व्यक्तियों की बात की जाए यानी प्रत्येक व्यक्ति में 99% समान होता है, मात्र 0.1% एक दूसरे से अलग होता है। यह मानते हुए कि मानव जीनोम में 3×10^9 क्षार युग्म है तो कितने क्षार अनुक्रमों में अंतर है। अब देखिए ये कह रहा है कि आप मान लीजिए कि मानव जीनोम में कितने होते हैं, ये तो पता ही है आपको, ये 3×10^9 क्षार युग्म होते हैं और आपको पता है कि 99.9% तो समान ही होते हैं, तो अंतर कितना होता है, मात्र 0.1%। तो ये कितना होगा, तो अब अगर 3×10^9 का 0.1% निकालिएगा। ठीक है, तो चलिए निकाल करके ही देख लेते हैं कितना आता है। तो देखिए आपको पता है मानव जीनोम में 3×10^9 क्षार युग्म पाए जाते हैं। ठीक है, 3×10^9 क्षार युग्म पाए जाते हैं और उसमें से 99.9% तो सेम ही होते हैं, अंतर कितना का होता है, तो मात्र 0.1% का। तो हम लोग क्या करते हैं, इतना का कितना निकाल लेते हैं, 0.1% निकाल लेते हैं, 0.1% निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो 3×10^9 का मतलब क्या हुआ, 3×9, 0। ठीक है, इतना हो गया और गुने हमें निकालना है कितना, 0.1%, परसेंट का मतलब होता है बट्टा 100। ठीक है, ये पूरा का बट्टा 100 होगा। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 1 और 0 कम हो जाएगा यानी हो जाएगा 3×6, 0। यानी कितने जीनोम, कितने नाइट्रोजनी क्षार होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं, तो ये होते हैं कितने, 30 लाख। 30 लाख नाइट्रोजनी क्षार होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं। बाकी जो बच गए कितना बच गए, अब इसमें से घटाने पता चल जाएगा, तो ये 3 अरब था, 3 अरब में से 30 लाख घटा लीजिए तो मात्र 30 लाख क्षार अनुक्रम ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं। बाकी जो क्षार अनुक्रम होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कोई भी दो व्यक्ति को पकड़ के आप उसका जीनोम मिलाइएगा, उसके शरीर में पाए जाने वाले डीएनए के अंदर जो क्षार अनुक्रम होते हैं, क्षारों के युग्म होते हैं, उनको मिलाइएगा तो उसमें से मात्र 30 लाख होंगे जो एक दूसरे से अलग होंगे, बाकी सभी दोनों व्यक्ति के बीच में जो क्षार का अनुक्रम होता है वो मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए के अनुक्रम में मिलने वाले अंतर व्यक्ति के विशेष समलक्षणीय रूप आकार को निर्धारित करते हैं। देखिये यही मात्र 30 लाख ही जो क्षार अनुक्रम है, इसी के चलते प्रत्येक व्यक्ति का लक्षण अलग अलग होता है, कोई सांवला हो जाता है, कोई गोरा हो जाता है, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई कम इंटेलिजेंट होता है। यदि किसी का उद्देश्य दो व्यक्तियों या किसी जनसंख्या के लोगों के बीच अनुवांशिक विभिन्नता का पता लगाना है तो हमेशा डीएनए का अनुक्रम ज्ञात करना होगा। तो देखिए अगर दो व्यक्ति के बीच में विभिन्नता का पता लगाना हो या फिर अनुवांशिक समानता का पता लगाना हो तो हमें क्या करना होगा, डीएनए के अनुक्रम की जानकारी होना चाहिए और यही कठिन और महंगा कार्य है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, कठिन भी है और महंगा भी है। आपने जरूर अगर क्राइम पेट्रोल देखा होगा या फिर सीआईडी या फिर कुछ फिल्म में डीएनए टेस्ट होता है,
तो ये सारा कुछ हम लोग डीएनए टेस्ट यही है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू ही डीएनए टेस्ट होता है, इसको जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कल्पना करो कि 3×10^6 क्षार के बीच तुलना की है। दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच तुलना करने हैं तो डीएनए उंगली छापी एक त्वरित विधि है। यानी अगर दो व्यक्तियों के डीएनए के अनुक्रमों के बीच, यानी उनके नाइट्रोजनी क्षारों के बीच तुलना करना हो तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी डीएनए उंगली छापी एक त्वरित विधि है, यानी इसी विधि का यूज करते हैं। यह बहुत ही फेमस तरीका है, आप इसको फिल्म में डीएनए टेस्ट के नाम से जरूर सुने होंगे। आगे बढ़ते हैं। डीएनए उंगली छापी की डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, इसको पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। तो देखिए इस विधि में क्या करते हैं, जो डीएनए के अनुक्रम होते हैं उनमें दो व्यक्तियों के बीच में कुछ विशिष्ट जगहों पर क्या होता है, विभिन्नता होता है, अलग होता है, विभिन्नता पाया जाता है, उसी को कहते हैं पुनरावृत्ति डीएनए। अनुक्रमों में डीएनए का छोटा भाग कई बार पुनरावृत्त होता है। जैसे एक मान लीजिए कि ये डीएनए है, इस तरह से ये डीएनए है, इसमें इसके बीच में ऐसे ये क्षार अनुक्रम है, तो क्या होता है कोई छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक वाला ही कोई छोटा सा हिस्सा कई बार पुनरावृत्त होता है। इस पुनरावृत्ति डीएनए को जीनोमिक डीएनए के ढेर से अलग करने के लिए जो विभिन्न शिखर बनते हैं, घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग कर होता है। ठीक है, तो अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा इसको अलग कर लिया जाता है। डीएनए ढेर एक बहुत बड़ा शिखर बनाता है, जबकि साथ में अन्य छोटे छोटे शिखर बनते हैं जिन्हें अनुसंगी डीएनए या फिर सेटेलाइट डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये सेटेलाइट डीएनए या अनुसंगी डीएनए आपसे कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा डीएनए ढेर एक बहुत बड़ा शिखर बनाता है, डीएनए ढेर एक बहुत बड़ा शिखर बनाता है जबकि उसके साथ में अन्य छोटे छोटे शिखर बनते हैं जिन्हें अनुवांशिक डीएनए या फिर सेटेलाइट डीएनए कहते हैं। क्षार घटकों, खंडों की लंबाई व पुनरावृत्ति इकाइयों के आधार पर अनुषंगी, लघु अनुषंगी आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जो ये सेटेलाइट डीएनए होते हैं या अनुषंगी डीएनए होते हैं, इनको भी इनके खंडों की लंबाई, क्षार के घटकों के आधार पर अलग अलग या छोटे अनुषंगी डीएनए में वर्गीकृत यानी विभाजित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। अनुक्रम समानता किसी भी प्रोटीन का कुटलेखन नहीं करते हैं। देखिए कुछ अनुक्रम ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रोटीन का कुटलेखन नहीं करते हैं, लेकिन ये मानव जीनोम के अधिकांश भाग में मिलते हैं। वो भले ही कुटलेखन नहीं करेंगे, प्रोटीन का कुटलेखन नहीं करेंगे, उनका कोई कार्य नहीं है, लेकिन मानव जीनोम के अधिकांश भाग में वे मिलते जरूर हैं। ये अनुक्रम उच्च शरी बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं, और ये जो अनुक्रम मिलते हैं जो प्रोटीन का कुटलेखन नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, उच्च शरी की बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं, जो डीएनए उंगली छापे का आधार है। और इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में अंतर का पता लगाते हैं, क्योंकि जो डीएनए मतलब जो अनुक्रम है, जो डीएनए का जो भाग है, ये देखिए डीएनए तो काफी लंबा होता है आप जानते हैं। ये मान लीजिए डीएनए है ऐसे, आप ये डबल हेलिक्स संरचना होती है, डीएनए है। ठीक है, तो जो इसमें से जो हिस्सा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक वाला, अगर ये प्रोटीन का कुटलेखन करता है तो ये दो व्यक्तियों में एक जैसा होगा, लेकिन जो प्रोटीन का कुटलेखन नहीं करता है वो दो व्यक्तियों में अलग अलग होता है, और उसी के आधार पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। आगे कैसे की जाती है उसको मैं बताऊंगा, तो आप इन सब चीजों को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है, किसी भी व्यक्ति के विभिन्न ऊतकों जैसे खून, बाल, पुटक, त्वचा, हड्डी, लार, शुक्राणु आदि से प्राप्त डीएनए में एक समान बहुरूपता मिलती है, जो न्यायालय उपयोग में एक पहचान औजार के रूप में उपयोगी है, क्योंकि बहुरूपता जनक से बच्चों की ओर वंशागत होती है, इसलिए डीएनए उंगली छापी विवाद की स्थिति में पैतृक परीक्षण के में सहायक है। देखिए आप डीएनए चाहे ब्लड से प्राप्त करें या फिर बाल से प्राप्त करें, त्वचा से प्राप्त करें, हड्डी से प्राप्त करें, लार से प्राप्त करें, शुक्राणु से प्राप्त करें या शरीर के किसी भी अंग से प्राप्त करें, उसका जो अनुक्रम होगा या उसका जो बहुरूपता होगी वो बिल्कुल एक जैसी होगी, और इसी का यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। और यह न्यायालय के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि मान लीजिए कि किसी चीज के लिए या किसी पैतृक संपत्ति के लिए या किसी माता पिता के पहचान के लिए या किसी ये क्राइम को का पता लगाने के लिए किस व्यक्ति ने क्राइम किया है, इसके लिए डीएनए टेस्ट किया जाता है। डीएनए टेस्ट करने से हमें ये पता चल जाता है कि जो
जो क्रिमिनल है वास्तव में उसी ने क्राइम किया है या नहीं। या दूसरा एग्जाम्पल ये भी मैं बताता हूँ आपको यहाँ इधर। मान लीजिए कि एक लड़का है जिसका नाम है अमन, ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम है अमन। अब एक औरत जाती है ए, और एक और दूसरी औरत है बी। ये कहती है कि अमन जो लड़का है वो मेरा बेटा है, और जो बी औरत कहती है वो कहती है कि जो अमन है वो मेरा बेटा है। और ये केस करके लेकर चले जाते हैं कहाँ पे, न्यायालय में, यानी कोर्ट में चले जाते हैं। अब कोर्ट के पास क्या उपाय है? एक तो उपाय है कि वह बहुत सारे गवाहों से पता लगाए, लेकिन इसमें भी चांसेस है कि वो झूठ बोले। तो अब क्या करता है न्यायालय, क्या करती है कि इनका डीएनए टेस्ट करा लेती है, किसका, अमन का जो औरत ए है उसका, और औरत बी है उसका, तीनों का डीएनए टेस्ट करा लिया जाता है। अमन का करा लिया जाएगा, अमन का, और उसके बाद करा लिया जाएगा ए का, और फिर करा लिया जाएगा बी का। और तीनों के डीएनए, तीनों के, अमन का डीएनए का रिपोर्ट इधर है, और ए का डीएनए का रिपोर्ट इधर है, बी का डीएनए का रिपोर्ट इधर है, इन तीनों के डीएनए के रिपोर्ट को मिलाया जाएगा। अमन का रिपोर्ट जिससे मिल जाएगा, अगर ए से मिल जाता है इसका मतलब कि यह ए का बेटा है, और अमन का रिपोर्ट अगर बी से मिल जाता है तो ये पता चल जाएगा कि ये बी का बेटा है। ऐसे ही क्राइम में भी पता लगा सकते हैं कि मान लीजिए कहीं पे खून हुआ है, कहीं पे मर्डर हुआ है, या फिर चोरी हुई है, और वहां पे एक बाल गिरा है जो चोरी करने वाले का है। अब हम क्या करेंगे, बाल का डीएनए टेस्ट कर लेंगे, और जिस पे शक है कि जिस व्यक्ति ने चोरी की है, मान लीजिए एक दूसरा व्यक्ति है राजू, राजू ने चोरी किया है या डकैती किया है, तो यहाँ पे जो बाल मिला हमारे पास, इस बाल का डीएनए टेस्ट करा लेंगे, और हमें शक है कि राजू ने चोरी किया है, तो राजू का भी डीएनए टेस्ट करा लेंगे। अगर दोनों का डीएनए टेस्ट कराने के बाद मिल गया, इसका मतलब पक्का राजू ही चोरी किया था या फिर डकैती किया था। तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग न्यायालय के लिए विवादों को सुलझाने में सहायक होता है। अब आगे जाते हैं, डीएनए अनुक्रम में मिलने वाली बहुरूपता के साथ साथ डीएनए उंगली छापी मानव जीनोम के अनुवांशिक नक्शे तैयार करने में लाभदायक है। साधारण तौर से हमें यह समझन लेना चाहिए कि डीएनए बहुरूपता क्या है। देखिए, एक तो ये विवाद हो ही गया, इसके अलावा मानव का अनुवांशिक नक्शा तैयार किया जा सकता है इससे कि मानव का आखिर विकास कैसे हुआ है, ये सारा कुछ। और इससे पहले हमें बहुरूपता को भी समझ लेना चाहिए। देखिए, बहुरूपता यानी अनुवांशिक आधार का विभिन्नता, आप बहुरूपता कहें या फिर अनुवांशिक आधार का विभिन्नता कहें, यानी अनुवांशिक आधार पर, अनुवांशिक लेवल पर क्या विभिन्नता है। तो बहुरूपता उत्परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होता है। अब बहुरूपता क्यों उत्पन्न होगा? उत्परिवर्तन के कारण। आप उत्परिवर्तन जानते हैं क्या होता है? अचानक उत्पन्न हुए परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। आप अध्याय 5 और इस अध्याय के पिछले खंडों में उत्परिवर्तन के विभिन्न प्रकार व उनके प्रभावों के बारे में पढ़ चुके हैं। जी हाँ, मैंने आपको पिछले चैप्टर में उत्परिवर्तन के बारे में बताया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। किसी व्यक्ति में उत्परिवर्तन किसी कायिक कोशिकाओं या जनन कोशिकाओं में पैदा होता है। अब देखिए, उत्परिवर्तन दोनों जगह हो सकता है, कायिक कोशिका में भी हो सकता है और जनन कोशिका में भी होता है। यदि जनन कोशिका उत्परिवर्तन किसी व्यक्ति की संतानोत्पत्ति क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करते हैं, तो यह उत्परिवर्तन स्थानांतरित होता है, जिसे जनसंख्या के दूसरे सदस्यों में फैल जाता है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति के जनन कोशिका में कोई उत्परिवर्तन हुआ और उस उत्परिवर्तन से कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वही उत्परिवर्तन क्या होता है, उसके बच्चे में चला जाता है। ठीक है, विकल्पी यानी पुनः अध्याय 5 में विकल्पी की परिभाषा याद करो, मैंने आपको ये सब कुछ विकल्पी बताया था, आप अध्याय 5 देख सकते हैं। अनुक्रम विभिन्नता जिसे परंपरागत रूप से डीएनए बहुरूपता कहते हैं, मानव जनसंख्या में 0.01 से अधिक आवृत्ति के एक व्यवस्थल में असंगति मिलने होती है, असंगति मिलने से होती है। साधारण तौर से यदि एक वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति से मिलता है तो इसे डीएनए बहुरूपता कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए बहुरूपता में क्या आपको याद रखना है कि एक वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति से मिलता है तो इसे डीएनए बहुरूपता कहते हैं। उपरोक्त विभिन्नता की संभावना अव्यक्तिक डीएनए अनुक्रम में ज्यादा होती है व इन अनुक्रमों में होने वाला उत्परिवर्तन व्यक्ति की प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। अब देखिए, ये जो अनुक्रम में उत्परिवर्तन होता है, इनसे क्या होता है कि व्यक्ति की क्षमता प्रभावित नहीं होती, उसकी प्रजनन क्षमता भी प्रभावित नहीं होता है। इस तरह के उत्परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एकत्रित होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप
विभिन्नता यानी बहुरूपता उत्पन्न होती है। यानी सीधी सी बात यह है कि अगर दो व्यक्ति हैं तो उनमें बहुरूपता होगी, यानी दोनों में कुछ भिन्नता होगी, कुछ समानता होगी। और समानता कितने परसेंट होती है? तो 99.9% समानता होगी और 0.1% डिफरेंस होगा, बस इतना जाने। डीएनए उंगली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास एलेक जेफरीज द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा कि डीएनए उंगली छापी का जो प्रारंभिक विकास था, शुरुआत हुआ था, वो किसने किया था? तो एलेक जेफरीज ने किया था। उन्होंने अनुवंशिक अनुसंगी डीएनए को प्रोब के रूप में उपयोग किया जिसमें काफी बहुरूपता मिली। इसे अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, जिसे हम लोग शॉर्ट में VNTR के रूप में जानते हैं, ठीक है। तकनीक जैसा पहले उपयोग किया जा चुका है वह सदर्न ब्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें विकिरण चिन्हित VNTR एक प्रोब के रूप में उपयोग में किया जाता है, इसमें शामिल है। अब देखिए VNTR में क्या होता है, डीएनए का विलगन, यानी सबसे पहले डीएनए को काट के अलग किया जाता है। ये मान लें कि ये पूरा डीएनए है, तो इसका विलगन यानी डीएनए को निकालेंगे। पहले हम लोग डीएनए को निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कोशिका से डीएनए को निकालेंगे। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा डीएनए का पाचन, यानी अब इसमें से प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए को पाचन, इसमें से कहीं कहीं से इसको काटेंगे, जिससे हमें जहां का हमें जरूरत होगा प्रतिबंधन एंजाइम से हम लोग काटेंगे। ऐसे याद रखिएगा, जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है वो डीएनए को काटने का कार्य ही करता है। आगे इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों का पृथक्करण। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करके जो डीएनए के खंड है इनका पृथक्करण करेंगे, यानी इनको अलग अलग कर लेंगे। पृथकृत डीएनए खंडों का संश्लेषित झिल्ली जैसे नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन पर स्थानांतरण। अब जो डीएनए के खंड पृथकृत होते हैं उनको क्या करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज या फिर नाइलॉन के झिल्ली पे उसको स्थानांतरित करते हैं। स्थानांतरित करने के बाद क्या करेंगे, चिन्हित VNTR प्रोब का उपयोग करते हुए संकरण व तो VNTR के प्रोब का यूज करके क्या करेंगे, हम लोग चिन्हित कर लेंगे, उसका संकरण करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्व विकिरणी चित्रण द्वारा संकरित डीएनए खंडों का पता लगाना, उसके बाद उनका चित्र तैयार किया जाएगा और फिर डीएनए खंडों का पता लगाएंगे। डीएनए उंगली छापी चित्रीय प्रदर्शन इसमें दिखाया गया। अब देखिए यहाँ फिगर के माध्यम समझिए कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे होती है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, चलिए यहाँ पर इतना समझ लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, यहाँ पे जैसे व्यक्तिगत ए है यहाँ पे, और एक दूसरा व्यक्ति है वो बी है। व्यक्ति ए से ये डीएनए प्राप्त किया गया है और व्यक्ति बी से ये डीएनए प्राप्त किया गया है। अब देखिए व्यक्ति ए का ये गुणसूत्र 7 है, ये 2 है और ये 16 है। ऐसे ही व्यक्ति जो बी है उसका भी ये डीएनए 7 है, ये 2 है और ये 16 है। अब पता है कि प्रत्येक गुणसूत्र के दो प्रत्येक गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, तो उसमें से जो एक गुणसूत्र है वो किससे आता है, पैतृक होता है यानी पिता से आता है, और दूसरा माता से आता है यानी मातृक गुणसूत्र है। एक पैतृक गुणसूत्र हो गया ऊपर वाला और ये हो गया मातृक गुणसूत्र। अब देखिए इन सभी गुणसूत्र को यहाँ पे ये क्या था, ये ए का गुणसूत्र है और ये बी का गुणसूत्र, इसको यहाँ पे एक मशीन में ऐसे कंपेयर करने के लिए डालते हैं। ये देखिए ये व्यक्ति ए से लिया गया, उसका डीएनए है यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया गया, और ये व्यक्ति बी से लिया गया है और उसका ये क्या क्या है, डीएनए निकाला गया। अब इधर देखिए, इधर क्या है कि अपराध दृष्टि यानी कहीं ऐसा जगह था जहां पे अपराध हुआ था, ठीक है, और वहां पे अपराध हुआ था, मान लेते हैं कि चोरी हुआ था, और चोरी में यही एग्जाम्पल मानते हैं कि वहां पे एक बाल मिला था, उस बाल का डीएनए टेस्ट किया गया है। उस बाल का डीएनए टेस्ट किया गया है तो हमें ये प्राप्त हुआ है। व्यक्ति ए का डीएनए टेस्ट किया गया तो ये प्राप्त हुआ, व्यक्ति बी का किया गया तो ये हुआ, और व्यक्ति सी का, व्यक्ति सी वास्तव में नहीं है, ये जो व्यक्ति यहाँ पे सी क्या दिखा रहा है कि अपराध के जगह से यानी जो बाल गिरा था, बाल का डीएनए टेस्ट किया गया था, वो यहाँ पे सी में दिखाया गया, ठीक है। सी में भी सेम, वहां पे क्या करते हैं, गुणसूत्र 7, 2 और 16 को लिया गया। अब देखेंगे ये बाल यानी जहाँ पे चोरी हुआ था वहां का डीएनए है, वहां से बाल से मिलने वाले का डीएनए रिपोर्ट यहाँ पे है, व्यक्ति ए का डीएनए रिपोर्ट यहाँ पे है और व्यक्ति बी का डीएनए रिपोर्ट यहाँ है। अब इनको ये प्रूफ के कारण ये सब रंगीन हो गए हैं, इनको दोनों से मिलाएंगे, किसमें मिल रहा है, तो देखिए ये वाला जो कलर वाला पार्ट है यानी सी का, वो बी से मिल रहा है, ठीक है, तो एक मिल गया, कितना मिल गया, बी से कितना मिल गया, एक,
एक ये पहला मिल गया, इस देखते हैं मिलता है कि नहीं, इस ये नहीं मिला। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या था, ये रेड था, ये भी देखिए ए से नहीं मिला है लेकिन बी से मिल गया, यानी बी से एक और मिल गया, ए से नहीं मिला है। तीसरा ये जो पीला वाला खंड देखते हैं इसमें मिलाते हैं, तो ये ए से भी मिलता है और बी से भी मिलता है, तो दोनों में मिल गया, एक एक इसमें मिल गया और इसमें मिल गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो एक दूसरा, यहाँ पे गुणसूत्र दो का, यहाँ पे देखिए ये पीला है और यहाँ पे तो है नहीं, यानी ये ए से नहीं मिला, और बी में देखें बी में भी यहाँ पीला है, बी से मिल गया। अब आगे देखते हैं तो जो गुणसूत्र दो है इसमें ये सादा है, या हल्का सा, ये सादा आपको दिख रहा होगा शायद, ये हल्का सा स्काई कलर का है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और इसमें देखिए यहाँ पे तो रेड है और यहाँ पे भी हल्का सा स्काई कलर है, ये भी बी से मिल गया और ये से नहीं मिला। तो देखिए जो डीएनए रिपोर्ट आया था सी का, यानी जहाँ पे चोरी हुआ था, वो ए से कितना जगह पे मिला है, एक जगह पे, और बी से कितने जगह पे मिला है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः जगह पे मिला है। यानी जो डीएनए, ये बाल का डीएनए है, वो किससे मिल रहा है, व्यक्ति बी से मिल रहा है, यानी पक्का व्यक्ति बी ने ही वहां पे चोरी किया था, यानी अपराध किया था। अब मुझे उम्मीद है कि आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कर से करते हैं, ये बिल्कुल अच्छे तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, वीएनटीआर अनुषंगी डीएनए की श्रेणी से संबंधित है, इसलिए इसे लघु अनुषंगी कहते हैं। इसमें एक छोटा सा डीएनए अनुक्रम बहुरूपीय संख्या में अनुबंधीय व्यवस्थित होता है, किसी व्यक्ति के एक गुणसूत्र के दूसरे गुण एक दूर एक की गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र की रूपीय संख्या में भिन्नता मिलती है। पुनरावृत्तों की संख्या में बहुत उच्च श्रेणी की बहुरूपता मिलती है, जिसके फलस्वरूप वीएनटीआर के आकर्षक परिवर्तन होते रहते हैं। इसके आकार 0.1 से 2 किलो बेस के होते हैं। अब मैंने यहाँ पे वही सब कुछ ये बता रहा है डिफिकल्ट लैंग्वेज में, जो मैंने आपको बताया कि दो व्यक्ति का जब लिया जाएगा डीएनए तो इसमें बहुरूपता मिलेगी। देखिए बहुरूपता का मतलब क्या है, अंतर, देखिए इसमें और इसमें कितना अंतर मिल गया, और उसी बहुरूपता के आधार पर अपराधी की पहचान कर ली जाती है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टॉपिक समाप्त होता है और यह चैप्टर भी समाप्त होता है। आपको यह पूरा वीडियो वाला सीरीज कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ यह वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।